मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पाटन विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। कलेक्टोरेट पहुंचकर उन्होंने अपना नामांकन जमा किया। इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री बघेल ने इस दौरान संवाददाताओं से चर्चा की। जनता को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं, अभी तक लोग कोई एक भी वादा छत्तीसगढ़ की जनता से नहीं किए हैं। मतलब उनको भी पता है कि हम लोग यदि कोई गारंटी देंगे, कोई घोषणा करेंगे, उस पर छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करने वाली नहीं है। भरोसा तो केवल कांग्रेस पर है, कांग्रेस की सरकार पर है। नामांकन के साथ में बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी भी नामांकन में उपस्थित थे और आज हमारे ताम्रध्वज भी भरा नामांकन। उसके बाद निर्मल कोसरी, मुकेश चंद्राकर, देवेंद्र यादव और मैं स्वयं नामांकन और अरुण भाई, सब लोगों ने नामांकन भरा। और इसके तुरंत बाद अब हम लोग वहाँ प्रियंका जी के रैली में हम लोग निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री बघेल की नामांकन रैली में बड़ी तादाद में कांग्रेसी नजर आए।